प्रिलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है या फिर मेंस ओरिएंटेड है, या दोनों की कलेक्टिव तैयारी साथ में होती है? व्हाट वाज योर अप्रोच, व्हाट्स योर ओपिनियन? दोनों स्टेजेस को डील करना होता है. जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम इसे स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ सकते कि हमें सिर्फ प्री क्रैक करना है. बहुत जेन्युइनली ये चीज होती है लोगों सबके साथ कि पढ़ते पढ़ते ना सैचुरेशन आ जाता है, बहुत मोनोटोनस सा शेड्यूल हो जाता है और एक ही जैसी लाइफ हो गई है, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं है. Yes. तुमने ये मल्टीपल स्टेट्स दिए, छत्तीसगढ़ दिया, राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया, तो तुम्हें वहाँ हेल्प लगी इस चीज की कि हर तरीके के क्वेश्चन टैकल हो जा रहे हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का वहाँ रोल समझ में आया मेंस में, इंटरव्यू में? बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ होता है वहाँ पे मेंस में सिर्फ जजमेंट आती है, तो जजमेंट आप तभी लिख पाओगे जब आपको वो चीज पता है. आईपीसी में कहाँ पे कोई सा सेक्शन लगाना है, उसके एसेंशियल्स क्या है, वो आपको पता होने चाहिए. जो पैनल होता है, इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसकी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन आपसे होती क्या है? तो रिजल्ट आने के बाद से पर्सनल लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? के बाद पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं कि जो नहीं जानते थे, मुझे मतलब मैसेज कभी किया नहीं होगा अर्जुन गुप्ता के आगे भी जज लग गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट. बहुत सारे लोग अब जैसा ही वो बोलते हैं, तो इट्स लाइक थोड़ा सा अच्छा फील होता है. वो हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है नुपुर. नुपुर का भी रिसेंटली आरजेएस एग्जाम क्लियर हुआ है, सो वी विल बी हैविंग एन इंटरेक्शन विद हर. नुपुर से हम समझेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें जो हर जुडिशरी एस्पिरेंट के जनरली होते हैं व्हाइल दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन. बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की रहती हैं, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस और टू इंक्लूड ऑल सच थिंग्स इन दिस इंटरेक्शन. और थोड़ा डिटेल्ड सेशन ये होने वाला है, क्योंकि हम हर चीज पे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाह रहे हैं, एक्चुअल चीजें जानना चाह रहे हैं नुपुर से कि इस जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या अच्छी चीजें हैं, कैसे, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं नुपुर के पास, क्या क्या वो चीजें हैं जो उसने खुद फेस की अपनी जर्नी में जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस नुपुर टू ऑल ऑफ यू. So, Nupur ne apna, she is born and brought up in Bhopal only. She completed her law graduation from Jagran Lake City University, Bhopal only. Aur us samay tak Nupur self-study kar rahi thi. College mein hi usne apni preparation judiciary ki start ki. Aur 2022 mein pass out hone ke baad, kuch samay usne self-study ki. Uske baad she realized ki thoda sa ek systematic guidance usse chahiye. In 2023, she joined our foundation batch for her preparation. और उसके बाद से regular studies से जुड़ी रही है नुपुर, उसने अपनी preparation की है. इस बीच छत्तीसगढ़ का mains नुपुर ने दिया, उसके बाद MP का mains दिया है, interview अभी already pending है. राजस्थान JLO crack किया, she is already working there राजस्थान में, और उसके साथ ही साथ राजस्थान judiciary नुपुर ने crack किया है. इस journey को अब तक लाने का एक पर्पस मेरा ये भी है कि जो एक मिसकंसेप्शन या मिथ कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि दूसरे स्टेट में सिलेक्शन नहीं होता है किसी दूसरे स्टेट के बंदे का, तो नुपुर इज एन एग्जांपल फॉर दैट, है ना. शी बिलोंग्स टू एमपी एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन राजस्थान. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेक्शन को. सो नुपुर वेलकम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इस बार जब तुम आई हो तो नॉट एज एन एस्पिरेंट, नाउ यू आर हियर एज अ जज, तो अब जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग होगा, है ना. सो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं, उसको अपन स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा जानते हैं इस जर्नी को इन डिटेल की कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ. तो सबसे पहले तो किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी स्टार्ट होती है लॉ करियर को चूज करने से. तुम्हें क्या लगता है, कुछ याद हो क्या, किस थॉट के साथ तुमने लॉ चूज किया था, क्यों लॉ ग्रेजुएशन चूज किया था? सो इट वॉज नॉट प्लान, मैंने मतलब प्लान तो किया नहीं था ट्वेल्थ तक. ट्वेल्थ में कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट लिया था, ठीक है. उसके बाद फिर फ्रेंड्स वगैरह और दी वगैरह ने बोला कि कुछ नया ट्राई करूँ, मतलब शी इज ऑल्सो स्टडिंग फॉर द सी ए, तो उनने बोला कि सी ए मत करो कुछ और, मतलब कॉमर्स के बाद कुछ ट्राई करूँ. देन उस टाइम पे लॉ और क्लैट का बहुत ज्यादा वो था, तो मैंने फिर क्लैट की कोचिंग के लिए वन ईयर का ड्रॉप लिया एंड देन मैंने फिर लॉ को एज अ करियर ऑप्शन फिर लॉ किया. जी ठीक है, ठीक है. अच्छा, यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम JLU, है ना, जागरण लेक सिटी. कैसे पहुंची वहां कॉलेज तक, क्या जर्नी थी उसकी? सर वन ईयर का तो गैप लिया था, क्लैट दिया था क्लैट की प्रिपरेशन के लिए, एनएलयूज मिल जाए, बट कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो गया कि फॉर्म ही गलत भरा था मेरा, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं क्लैट दे ही नहीं पाई थी, क्लैट यूज ही नहीं दे पाई थी.
तो मेरा वो एक ईयर वेस्टेज की तरह लग रहा था मुझे, क्या मतलब मैं स्कूल के बाद एक साल ड्रॉप लिया प्रिपरेशन की क्लैट की, लेकिन फॉर्म गलत भरने की वजह से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए। तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं मुझे तो लॉ करना ही नहीं, मतलब बहुत डिमोटिवेटिंग सा वो मोमेंट था। बट फ्रेंड्स हुए, फैमिली, फैमिली तो बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली हमेशा थी कि तुम करो अभी वापस ले लो, वन ईयर ड्रॉप लेने को भी वो लोग अग्री थे। बट मैंने कहा नहीं मैं प्राइवेट से ट्राई करती हूँ। सो प्राइवेट में मैंने सर्च किया इन भोपाल, सो जेएलयू को मैंने उस टाइम पे फाइंड किया कि जेएलयू गुड इंस्टीट्यूशन, तो फिर मैंने वहां पे अपना वहां पे स्टार्ट किया। ऑलराइट, सो आई थिंक नूपुर की इस लॉ ग्रेजुएशन की शुरुआत में ही एक मैसेज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, कि भाई आप ये बात समझिए कि शू टुक ड्रॉप वन ईयर का क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं क्लैट की प्रिपरेशन में भी काफी टाइम इन्वॉल्व रहा हूँ, तो वहां मैंने स्टूडेंट को देखा इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं वो एग्जाम देने के बाद, अगर कॉलेज नहीं मिलता उन्हें लगता है करियर खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई हमारी। तो मुझे लगता है दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम कि भाई आप तो एग्जाम दे के फेलियर होना इज अ वेरी नेचुरल थिंग, बट जो नूपुर के साथ हुआ वो तो एक्सेप्शनली है कि फॉर्म गलत भर दिया हमने, एग्जाम ही नहीं दे पाए, जिस चीज के प्रिपरेशन की है वो पेपर ही मेरे पास नहीं। एग्जैक्टली, जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे थे वहां अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला, हम पहले आउट हो गए। उसके बाद भी शी डिडंट गिव अप, है ना, ये डिसाइडेड था कि लॉ ग्रेजुएशन करना है तो करना है, सो उसने किया है। And today she is sitting here as an example कि उसके बाद का भी, उस करियर के बाद भी जो पीक हो सकता है she has achieved. So there is a message कि जब आप अपनी उस जर्नी में होते हैं बहुत सारी जगह पे ऐसा आएगा या ऐसा लगेगा कि खत्म हो गया सब, बट अगर आप उसको गिव अप नहीं करते हैं, अगर आप क्लियर हैं अपनी चीजों पे, तो आगे आपके लिए there is a way out. All right. चलो तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, हमने ग्रेजुएशन डिसाइड किया, लॉ करना है, कॉलेज में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन चालू हो गया। जज बनना है, ये थॉट कब आया था और व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब ये थॉट आया और कैसे? मतलब कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप्स वगैरह होती थी, तो सेकंड और थर्ड ईयर में मैंने लॉ फर्म में इंटर्नशिप की। मुझे वहां पे इतना सही नहीं लगा कि मुझे नहीं लगा कि ये मेरा मतलब कप ऑफ टी सॉर्ट ऑफ है। देन उसके बाद फिर मैं जुडिश, मतलब मैंने एनजीटी में किया था, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशंस लिए, उन्होंने उनकी फील्ड के बारे में बताया, उन्हें जुडिशरी के बारे में बताया कि कितना इम्पोर्टेंस जुडिशरी होल्ड करती है जस्टिस डिलीवरी में और कैसा मतलब पूरा प्रोफाइल होता है। देन आई हैव सर्च्ड अबाउट द जुडिशरी कि कैसे एमपी जुडिशरी का पूरा होता है, सिलेबस वगैरह देखा, फिर मुझे वो कंफर्टेबल लगा कि हाँ इतना मैं पढ़ सकती हूँ करके, फिर मैंने माइंड बना लिया। और थर्ड फोर्थ ईयर से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, नोट मेकिंग स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल थर्ड ईयर के बाद तुमने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, वहीं दिमाग में आ गया था कि जुडिशरी करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये थॉट आता है नूपुर की जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है मुझे, तो उस समय पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने कंटेंट सर्च किया, सिलेबस, और अब तो वो दौर है कि थोड़ा सा ऑनलाइन चीजें बड़े कन्वीनियंटली मौजूद है। उस समय थोड़ा सा आज से मतलब कोविड के पहले वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें भी हुई होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की चीजों को सर्च कैसे करना है। और ठीक है, फिर कॉलेज में सीनियर्स और फैकल्टीज ने थोड़ा बहुत गाइड किया कि ऐसे पेपर आता है, ऐसा आता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि कॉलेज का क्या रोल होता है जुडिशरी की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये है ना बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि क्या सिर्फ नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे ही जज बन रहे हैं, या फिर क्या सिर्फ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का ही कल्चर है, क्योंकि एनएलयू के बच्चे उतना इंटरेस्टेड पहले नहीं होते थे, बट अब वो कॉर्पोरेट में ज्यादा होते थे। बट ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता मैंने देखा कोविड के बाद से, यू नो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जुडिशरी। तो कॉलेज का क्या रोल है या कितना सिग्निफिकेंट होता है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन में? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हम लॉ पढ़ना वहीं से सीखते हैं, क्योंकि हम जैसे ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद हमें नहीं पता होता कि मतलब ट्वेल्थ के बाद हमें नहीं पता होता कि लॉ में क्या हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे हम कॉलेज में जाते हैं सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है अपने से, तो अगर वहीं अपने को एक अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भले ही ना मिले बट एक अंडरस्टैंडिंग अगर मिल जाती है कि कैसे बेयरिक से गो थ्रू करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सारे सब्जेक्ट को टैकल करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे कॉलेज में भी, मैं बीबी एलएलबी कोर्स था, तो बीबी के सब्जेक्ट्स भी होते थे बट लॉ के सब्जेक्ट्स होते थे, तो मतलब वो टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाते थे, वो बता देते थे कि पढ़ लो जाके, मैं लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, बुक्स उठा लेती थी, खुद पढ़ने की कोशिश करती थी। तो कॉलेज में कोऑपरेटिव नेचर मतलब सब लोगों का था और फैकल्टीज भी हेल्प करते थे, पढ़ाते भी थे, तो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कॉलेज का भी।
अच्छा ओके, तो कॉलेज के बारे में, तो मतलब कॉलेज का तो ओवरऑल होता है क्योंकि आपका पहला जो इंटरेक्शन लॉ से है वो आपका कॉलेज ही करवा रहा है. दिस इज अ वेरी इनएविटेबल ट्रूथ. और मैं इसीलिए हमेशा मतलब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि भैया स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तो आप ढंग से कॉलेज अटेंड करो. और अच्छे कॉलेजेस का रोल बहुत होता है आपकी पर्सनालिटी मेकिंग में. मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट जुडिशरी, जुडिशरी यस सर. आपको कुछ भी करना है, मतलब कॉलेज और स्कूल दोनों, मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, वो ही आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है कि यस आप सर. किस तरीके के व्यक्ति रहेंगे, क्या स्ट्रगल्स आपने किए करने हैं, क्या किन चीजों को आप फेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसके बाद एक चीज और आती है नुपुर, इस प्रिपरेशन में. मतलब मैं थोड़ा सा इलाबोरेटेड चाह रहा हूँ, हर 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 एंगल एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ इस जर्नी का. तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि फ्रेंड्स का क्या रोल है जुडिशरी की प्रिपरेशन, क्योंकि भाई आप जब तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, यस आपके आसपास के लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि पहले अपन हमेशा अवेलेबल हुआ करते थे, अब हमने तैयारी चालू कर लिया तो अब हम अनअवेलेबल है. लोगों को वो एक्सेप्ट कराना कि अब मैं हाँ उतनी फ्री नहीं हूँ, यस सर. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपके आसपास का एनवायरमेंट कैसे आपको हाँ रिएक्शन दे रहा है या क्या सपोर्ट है. तो व्हाट वाज अबाउट फ्रेंड्स की, मतलब दोस्तों का क्या सपोर्ट होता है. सर, वैसे तो मैं रिजर्व्ड हूँ, तो मैं मतलब इतना मेरे फ्रेंड्स है भी नहीं, ना रहते थे मतलब. बट कॉलेज टाइम में एक दो बने, मतलब उन लोगों ने बहुत हेल्प की हर चीज में. उन लोगों ने मुझे मतलब ये सिखाया है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती. मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसा थी कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना है, बिल्कुल ना किसी के साथ मिलना है, ना कहीं जाना है, ना मूवीज देखना है, कुछ भी नहीं करना है. बट उन लोगों ने बहुत बताया, फिर थोड़ा बहुत शुरू किया कॉलेज डेज में ही, थोड़ा मतलब बाकी के इवेंट्स जो होते थे कॉलेज में उनमें भी पार्टिसिपेट किया, मूड कोर्ट और बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो फ्रेंड्स ने हेल्प की. और जब प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, भले ही वो जुडिशरी के नहीं थे. मेरा एक फ्रेंड तो ऐसा है जो जुडिशरी का नहीं है, तो भी वो मेरे को हमेशा हेल्प किया है. मतलब मेरे लिए टाइम टेबल भी बनाई है और मतलब शेड्यूल बना के दिया है. उसे पता भी नहीं लॉ सब्जेक्ट सीपीसी में क्या है, किसमें क्या है, बट उसने हेल्प की है हमेशा. और हमेशा एक मतलब आपको वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, उन लोगों करेक्ट. का ट्रस्ट आप पे रहता है कि नहीं नुपुर तू कर लेगी. मतलब मैं हमेशा ये बोलती थी कि नहीं आरजेएस में कैसे होगा, मैं तो एमपीक्यू नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. बट वो हमेशा मतलब एक वो रहता है उन लोगों का, वो ट्रस्ट करते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं मतलब फ्रेंड्स तो. क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है कि इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे सेटबैक्स भी होने हैं बीच बीच में, तो देयर शुड बी समवन टू होल्ड योर हैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यस भैया सर. इट्स ओके, है ना, वी यस आर सर देयर विथ यू, ऑल राइट. अच्छा, सेम जैसे फ्रेंड्स का रोल है, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यस सर. सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से फैमिली का ही फैमिली का ही है. होता है यस सर. कि अच्छा, क्योंकि कई बार ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि यार अब ग्रेजुएशन कर लिया है, और अगर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ग्रेजुएशन है आपका तो एक प्रेशर होता है कि यार अब अर्न करना है जल्दी, उनके करना पास है. टाइम नहीं है, यस सर. डेडलाइंस हैं कि यस इतना ही सर. टाइम है तुम्हारे पास. कुछ हाँ ऐसा तुम्हारे साथ था या फिर एकदम कंप्लीट ये है कि चलो अपने हिसाब से करो, किस कंप्लीट तरीके लिबर्टी, का. कंप्लीट लिबर्टी थी फैमिली साइड से तो, क्योंकि फैमिली साइड ने कभी भी प्रेशर नहीं किया. जब मैंने मेरे फादर को बताया था थर्ड फोर्थ ईयर में कि मैं तो जुडिशरी करूंगी, तो फिर पापा ने बोला हाँ बेटा पढ़ाई कर लेना. उसके बाद फिर जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी. मैं घर पे नहीं रहती थी, मैं लाइब्रेरी में रहती थी, सिर्फ खाना खाने घर पे आती थी. वो लोग बोलते थे तू है भी कि नहीं है यहाँ पे, मैंने बोला अभी तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है. और वो हमेशा साथ रहते थे, मतलब उन लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला और ना डेडलाइन दी मुझे, जितने अटेम्प्ट देने तू दे, जब तक तेरा मन हो देने का तब तक देना. जब तू ये बोल देगी कि नहीं पापा अब नहीं करना है तो फिर और कुछ चूज करना, लेकिन जब तक तुझे देना है तब तक तू दे. तो हमेशा मतलब उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है. ठीक है, तो फैमिली का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप उस पूरी जर्नी में, क्योंकि देर इज समवन जो आपके साथ पूरे टाइम है वो फैमिली है, तो वहां से एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है. और जो पीयर प्रेशर बिल्ड होता है वो स्टार्ट, मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सभी एस्पिरेंट्स को देख के, वो स्टार्ट आपकी फैमिली से ही होता है. मतलब दिस मैसेज फ्रॉम नुपुर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दी पेरेंट्स आउट देयर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे वो जुडिशरी एस्पिरेंट है या कुछ और, सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हें आपका चाहिए. प्रेशर नहीं, सपोर्ट चाहिए सबसे ज्यादा आपका, तो प्लीज डू दैट. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो एकेडमिक चीजें हैं थोड़ी. तो नुपुर, एक चीज ये जाननी है कि हमें प्रिलिम्स, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं यस सर. तो प्रिलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है या फिर मेंस ओरिएंटेड है, या दोनों की कलेक्टिव तैयारी साथ में होती है. व्हाट वाज योर अप्रोच, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट. सर कलेक्टिव मतलब साइमल्टेनियसली दोनों सब्जेक्ट को डील, मतलब दोनों स्टेजेस को डील करना होता है. जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम इसे स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ सकते कि हमें सिर्फ प्री क्रैक करना है.
हमें इस अप्रोच के साथ पढ़ना है कि हमें उसका एक ओवरऑल अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए. कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको पूरा पढ़ें ताकि उसमें हम सब्जेक्टिव भी लिख पाएं अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो, और उसके ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व कर पाएं. तो ऐसे ही अप्रोच के साथ, कलेक्टिव अप्रोच के साथ हमें प्रोसीड करना चाहिए. ऑल राइट, सो हर ओपिनियन इज दैट कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको फिर तीनों स्टेजेस की नजर से आपको देखना है. yes, कि मेंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, प्री में क्या होता है, और आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए हर तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर आपने एक टॉपिक, मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और आपने कंसीडरेशन टॉपिक पढ़ा है, तो फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए. yes, yes, चाहे वो प्री क्यों, चाहे मेंस. दैट्स हाउ वी अप्रोच टॉपिक्स. वो अप्रोच बहुत फ्रूटफुल नहीं होती कि पहले सिर्फ एक ओवरव्यू ले लिया प्री के हिसाब से, फिर मेंस बाद में देखेंगे, पढ़ ली उसके बाद फिर बाद में अपन नोट्स बनाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, ये सही नहीं रहता, उससे और टाइम वेस्ट ही होता है. ऑलराइट. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अबाउट बेरेट एंड टेक्स्ट बुक. बेरेट का क्या रोल है प्रिपरेशन में, और टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनका क्या रोल है? सर, बेरेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बेरेट से ही हमारा पूरा फाउंडेशन बनता है, हमारे दिमाग में सेट होता है कि ये लॉ किस चीज पे बेस्ड है. बट टेक्स्ट बुक हमें जरूरत जब पड़ती है, जब हमें किसी कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए रहती है, या हमें केस लॉ देखना होता है, सिचुएशन बेस्ड हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम आती है मेंस में तो वो हम कैसे डील करें, उसके लिए टेक्स्ट बुक जरूरी होती है. मतलब अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं जो ओपिनियन तुमने दिया, तो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल बेरेट होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है. yes, और जहां आपको डिफिकल्टी आ रही है, इलेबोरेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए केसेस पढ़ने हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप रेफरेंस बुक अप्रोच करिए. और करना ही चाहिए वो, क्योंकि अगर थोड़ा सा इलेबोरेटेड तरीके से आपने किसी चीज को पढ़ा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा याद रखने में भी इजी हो जाता है. yes, है ना? ठीक है. सो बेरेट और टेक्स्ट बुक दोनों इंपॉर्टेंट है. बेरेट आपको फॉलो करते हुए चलना है, और अगर किसी टॉपिक में आपको डिटेलिंग करनी है तो फिर फॉर दैट यू नीड रेफरेंस बुक्स एज वेल. ऑल राइट. इसी से कनेक्टेड एक चीज है इसके बाद, नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंट है? खुद के नोट्स बनाना जरूरी है या किसी और के नोट्स से पढ़ के भी नैया पार हो सकती है जुडिशरी में? क्योंकि एक जो कॉलेज में जाके थॉट प्रोसेस हुआ था, ये लिखना नहीं है ना. yes, वो आदत छूट गई है ना पीडीएफ के जमाने में स्पेशली. सो नोट्स मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, तुमने कैसे नोट्स बनाए, कौन से नोट्स, क्या, थोड़ा सा वो बताओ. मैं तो नोट्स मेकिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. मतलब मैंने कॉलेज में भी खुद के नोट्स बनाए. उस टाइम पे कोई भी नोट्स नहीं बनाता था क्योंकि पीपीटीज मिलती थी, तो सब बोलते थे कि पीपीटी को पीडीएफ निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो, क्यों मेहनत कर रही हो. बट मैं हमेशा बुक्स को लेके बैठती थी और बुक्स से अपने नोट्स बनाए हैं. उसके बाद जब मैंने एलेक ज्वाइन किया है, फिर सर की क्लासेस देखती थी और सर जो डिक्टेट करते थे उनके नोट्स बनाती थी. और क्योंकि वो नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, उन्हीं की हेल्प से आप मेंस में भी क्वेश्चन लिख पाते हो और उन्हीं की हेल्प से आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाते हैं. और खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि वो रिवाइज भी आप करते हो तो आपके दिमाग में रिटेन रहता है आपने क्या चीज कहाँ लिखी थी. बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि प्रीवियस मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है तो मुझे नोट्स का वो पेज याद है कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है. ऑलराइट, थैंक यू नूपुर फॉर दिस मैसेज टू द स्टूडेंट्स आउट देयर. क्योंकि जब मैं नोट्स अपने डिक्टेट करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है, सर पीडीएफ दे दो ना. तो पीडीएफ देने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि फिर आप ना तो उस चीज को वैसे रिटेन कर पाते हैं और ना मेंस आंसर राइटिंग आप एक्चुअल जब आप जाते हैं वहां लिख पाते हैं ना. तो इट इज इम्पॉर्टेंट, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद के नोट्स होने चाहिए, किसी और के नोट्स पढ़ के भी आपका भला होना नहीं है. सारे इन्फॉर्मेशन आप लो जहां से भी आपको मिल रहा है, बट उसके बाद फाइनल नोट्स आपके होने चाहिए खुद के. अच्छा, ये जो नोट्स बनाए जाते हैं ना, इसको लेके भी ना स्टूडेंट कंफ्यूज है थोड़ा. मतलब तो तुमने किस तरीके से, मतलब टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाए थे, पॉइंटर्स बनाए थे या डिटेल्स बनाए थे, थोड़ा सा वो भी अगर गाइड कर दो तो. सर डिटेल में ही बनाए थे. और जैसे कि टॉपिक वाइज ही जो चीजें डील होती जाती है, जैसे आपके लेक्चर मैंने देखे तो आप जो पढ़ा रहे हो टॉपिक उसमें आप जो डिक्टेट कर रहे हो वही मैं नोट्स में लिखती गई और ऐसे ही करके मैंने प्रोसीड किया. ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट मुझे टॉपिक लग रहा है मैं उसका क्लास देख के सिर्फ उसी के नोट्स बनाऊंगी. नहीं, सारी चीजें डील हो रही है, सारी चीजों के नोट्स बनाओ क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके या तो प्री या तो मेंस में आपके हेल्प करेंगे ही. सो ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स तुमने अपने पास रखे थे. ऑलराइट, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन है अबाउट ग्रुप स्टडी. ये भी बड़ा प्रचलित फॉर्म है पढ़ाई का स्टूडेंट्स के बीच कि हमें ग्रुप स्टडी करनी है, हमें एनवायरमेंट चाहिए पढ़ाई का. तो थोड़ा सा मुझे उस पर तुम्हारा ओपिनियन जाना है. इसी के साथ एक चीज है ग्रुप स्टडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि
मेनली वो ग्रुप्स जो जुडिशरी ओरिएंटेड होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बनते हैं, ऐसा भी है। तो थोड़ा सा इन दोनों पर्सपेक्टिव से पे अपना थॉट बताओगे, ग्रुप स्टडी को लेके क्या है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प कितनी तुम्हें हुई या एक जनरल एस्पिरेंट को होती है, थोड़ा सा इसके बारे में। सर ग्रुप स्टडी में तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद ही पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पीसफुल एक एनवायरमेंट चाहिए रहता है पढ़ने के लिए। मैंने जब लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी तो मेरा जो इतना सा डेस्क रहता था, कैबिन रहता था, उसमें इधर उधर कोई भी मतलब देख नहीं सकता, मैं ऐसे करके अंदर घुस जाती थी और मुझे सिर्फ खुद ही पे फोकस करना, ना इधर देखती थी ना उधर, तो ऐसे करके मैं पढ़ती थी। और कोचिंग तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहती है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देती है। बहुत बार ये होता है कि यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ते ही जा रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ पे वो मतलब डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो सही यूटिलाइजेशन हो भी रहा है कि नहीं, मेंस के लिए आप सही जा भी रहे हो कि नहीं, उसके लिए कोचिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। इसलिए मैंने एलेक ज्वाइन किया था क्योंकि सर के वीडियोज देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी और सर का पढ़ाना मुझे बहुत सही लगा था, तो फिर मैंने एलेक ज्वाइन किया। और फिर कोचिंग में सर की लेक्चर्स देखती थी, सर जो बीच बीच में बोलते थे वो भी सुनती थी और उनको मैं अडॉप्ट भी करती थी। सर बोलते थे कि नोट्स बनाओ, आपकी हैबिट जाएगी, मतलब पढ़ने की आपकी लिखने की हैबिट होगी, मेंस में भी आपको वो हेल्प करेगा, तो वो सच में बहुत हेल्प करता है। इसलिए कोचिंग का बहुत इम्पोर्टेंस कोचिंग का भी रहता है। ऑलराइट, तो ग्रुप स्टडी को लेके तो भाई नुपुर का ये है कि शी इज एन इंडिपेंडेंट प्लेयर, और ये थोड़ा सा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को वो हेल्पफुल इसलिए हो जाता है कि वो पुश सबके पास खुद से नहीं होता कि मैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर लूं, है ना। जैसे तुम्हारे साथ वो पुश ऑलरेडी है, तुम ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड और एकेडमिकली हमेशा अच्छी रही हो अपने स्कूल कॉलेज सब जगह, बट बहुत सारे मेरे जैसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा कुछ पुश चाहिए होता है। हाँ, बट एक ये चीज है कि जैसे पढ़ने के लिए, मैं अभी भी जब मैं क्लासेस के लिए पढ़ता हूँ तो आई ऑल्सो प्रेफर कि भैया उस कमरे में कोई ना हो, मुझे शांति चाहिए एकदम, कोई मेरे पास ना आए उस ड्यूरेशन में। तो ये थोड़ी सी पर्सनल चॉइस भी होती है। नुपुर का ओपिनियन यही था और उसने ऐसे ही पढ़ाई की है कि एक सेपरेट उसमें अपना इंडिविजुअल पढ़ाई करिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्योंकि एक चीज और है ना कि ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज बड़ी लगती है कि मिसिंग, कि यार ये हमारी लाइफ में या प्रिपरेशन में मिसिंग है। सो आई गेस मैं तो जब से कोविड हुआ है तब से ये ऑनलाइन का कल्चर ज्यादा है और मैं तभी से ये चीज खुद भी एम्फेसाइज करता रहा हूँ सभी जगह स्टूडेंट से कि यार इससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन भी क्लास अटेंड कर रहे हो घर पे बैठ के, शी इज फ्रॉम भोपाल बट शी अटेंडेड ऑल दी क्लासेस ऑनलाइन यहाँ आने की बजाय। उसका प्रोबेबल रीजन एक सबसे बड़ा जो तुमने मुझे बताया वो टाइम, कि भाई आने जाने में कम्यूट करने में जो टाइम जाता है, और फिर कम्यूटेशन अकेला नहीं होता, यहाँ पे आके जो पूरा पंचौरा होता है क्लास के पहले क्लास के बाद, घूमना फिरना कैफे जाना वो सब भी कहीं ना कहीं हिंडर करता है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है अपनी जर्नी में तब तो ठीक है, बट अगर आप थोड़ा कंसाइज टाइम में करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल मुश्किल होता है। बाकी पढ़ाई करने का तरीका सबका अलग होता है और वो आपका अपना होना चाहिए। अबाउट द इंस्टीट्यूट, एज यू मेंशन कि एक डायरेक्शन के लिए वहां, क्योंकि तुमने पहले सेल्फ स्टडी भी करी है काफी टाइम, इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज को जानना चाह रहा था कि वो चेंज क्या आता है। तो चेंज इज बेसिकली द डायरेक्शन, दैट इज द। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेरी मेरी ये है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो तुमने इस प्रिपरेशन को करा और तुमने एलेक ज्वाइन किया, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें मिल गई, एक एज ओवर अदर एस्पिरेंट जो तुम्हें मिला हो यहाँ से, ऐसा क्या तुम्हें लगता है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सारे सब्जेक्ट पे, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रोसीजरल लॉज वगैरह पे, क्योंकि बेरेक को हम जब देखते हैं तो कभी समझ नहीं आता सीआरपीसी में कि कभी क्या शुरू हो रहा है फिर क्या शुरू हो रहा है, बट कोचिंग की हेल्प से आपने पढ़ाया उस हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई एक बार कि प्रोसीजर ऐसे वर्क करता है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। वो दिमाग में सारी चीजें रिटेन भी उसी से हो जाती है, मतलब ऐसा है कि रेटिफिकेशन कुछ नहीं करना पड़ता आपको, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज ऐसे फ्लो कर रही है फिर आप इजीली उसको रिटेन कर सकते हो मेमोरी में। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द वन थिंग दैट यू फील की वो एज है। अच्छा, इस चीज पे भी ना थोड़ा सा, क्योंकि अब ना शॉर्टकट का जमाना है, तो स्टूडेंट ऑल्सो लुक फॉर दैट कि हमें कुछ, जैसे अभी यूट्यूब पे मैंने सेशंस लिए थे सब्जेक्ट्स के, तो पीपल आर लाइक दैट कि सर वही देख के हो जा रहा है, वो देख के हो जा रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, बट जब तक आप खुद किताब उठा के पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि ये थॉट ना, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, सभी के दिमाग में होता है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि इतना कॉन्सेप्चुअल अपन पढ़ा रहे हैं, ये जुडिशरी में आएगा, ये हेल्पफुल होगा भी कि नहीं होगा, इस टॉपिक की इतनी डेप्थ में अपन जा रहे हैं। तो जब तुमने ये मल्टीपल स्टेट्स दिए, छत्तीसगढ़ दिया, राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया,
तो तुम्हें वहां हेल्प लगी इस चीज की कि हर तरीके क्वेश्चन टैकल हो जा रहे हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का वहां रोल समझ में आया मेंस में इंटरव्यू में? यस सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ होता है वहां पे मेंस में सिर्फ जजमेंट आती है, तो जजमेंट आप तभी लिख पाओगे जब आपको वो चीज पता है आईपीसी में कहाँ पे कोई सा सेक्शन लगाना है, उसके एसेंशियल्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। आरजेएस में भी थोड़ी बहुत चीजें, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और एमपी में भी इस बार बहुत ज्यादा पेपर ऐसा ही आया था। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होती है तो वो आपको सब जगह अप्लाई आप कर लेते हो, और अभी नहीं तो उसके बाद, मतलब जज बनने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट यूज में आने ही है। नॉलेज तो कभी भी वेस्ट वैसे भी जाता नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बात अच्छा है दैट यू आर रियलाइजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आगे तुम्हें शायद और वो रियलाइजेशन होगा व्हेन यू विल बी इन सर्विसेज, कि अगर हमने किसी चीज को टाइम दिया, ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर अटेंड किए बस, जो खुद तुमने किताबों में अपना समय व्यतीत किया है ना, दैट विल हेल्प यू देयर एज वेल इन योर सर्विसेज, की अपने को चीजें पता रहेंगी। तो भाई कॉन्सेप्ट का अब जो ट्रेंडिंग चेंज और जो ट्रेंड हो गया है, चेंजिंग ट्रेंड जो है जुडिशरी में, कि हर स्टेट हर तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे राजस्थान ने काफी चेंज किया इस बार, प्री में थोड़े चेंजेस हो गए थे, मेंस में भी काफी कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो एक चीज तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए भी, उसके अलावा भी, है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन है मेरा, दैट इज अबाउट स्टेट। ये एक बहुत बड़ी कॉमन सी क्वेरी है स्टूडेंट की, कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारी प्रिपरेशन स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मैं डोमेसाइल हूं या मेरा प्रेफरेंस स्टेट ये है तो सिर्फ वो, या फिर एक ओवरऑल आपको कुछ और स्टेट्स का या कुछ कॉमन चीजें लेके चलनी चाहिए? सर, स्टेट स्पेसिफिक तो नहीं होती है प्रिपरेशन, कि आप सिर्फ एक को टारगेट करके उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप ऐसा, मतलब प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि अगर वैकेंसी 2-3 साथ में आई तो कौन सा वाला आपको देना है, बट बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स जो कॉमन है, सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, जो सब जगह आते ही हैं, उन पे तो आप कमांड अच्छे से बैठा ही लो, कि जब आपका फेवरेट स्टेट आएगा उसके लिए आप अप्लाई कर दो। लेकिन आपको, मतलब सब्जेक्ट की क्लैरिटी तो पहले से होनी चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक जाके आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो मतलब जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उस पे थॉरली पढ़ लिया जाए, और उसके बाद उसमें एड ऑन करते जाओ जो स्पेसिफिक प्रोविजन स्टेट का है, बट टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन आपको चीजें थॉरली पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, अब क्योंकि ना ये, क्योंकि तुमने 2-3 स्टेट अपियर किया और अच्छा परफॉर्म किया सभी स्टेट्स में, क्योंकि अब जो ट्रेंड चेंज भी हो गया है कि अब जैसे पहले कुछ सेट पैटर्न्स थे कि डीजेएस में कॉन्सेप्चुअल आएगा, एमपी में डायरेक्ट आएगा, राजस्थान में डायरेक्ट आएगा, बट एमपी ने तो काफी 3-4 बार से ये ट्रेंड चेंज कर दिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, राजस्थान ने भी वो चीज चेंज करी, तो यहाँ मेरे ख्याल से फिर वो अप्रोच आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन किसी एक स्टेट में पहले पूछे जा रहे थे, अब वो सर्कुलेट हो रहा है, बाकी स्टेट भी पूछ रहे हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट एक पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो फिर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, कॉमन चीजें अपन अगर स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर लें तो फिर बाद में एड ऑन कर करके हर स्टेट हम अपियर कर सकते हैं जहां आप एलिजिबल हैं। ऑल राइट, अच्छा इसी से रिलेटेड एक चीज है कि जब आप, ठीक है, कॉमन चीजें अपन पढ़ेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, लेकिन जब आप मल्टीपल स्टेट के एग्जाम्स देते हो, जैसे तुमने दिया साथ में तुमने छत्तीसगढ़ दिया, साथ में तुमने एमपी दिया, उसी के साथ तुमने राजस्थान दिया, यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं जब अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज होती हैं एक ही साल में? क्योंकि अब जो कमिंग ईयर है ना 2025, इसमें 2-3 स्टेट और इनफैक्ट ज्यादा 3-4 स्टेट ऐसे होंगे जो एक साथ वैकेंसी आएगी, तो ऐसे बच्चे जो कॉमन चीज तो पढ़ चुके हैं अब, लेकिन उन्हें एक ही साल में कई सारी वैकेंसीज को केटर करना है, ऐसे कोई चैलेंजेस जो तुमने फेस किए हो जिसके लिए कोई एडवाइस हो तुम्हारे पास स्टूडेंट्स के लिए? सर, मतलब जो लोकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, लोकल लॉज रहते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि आरजेएस में भी हैं, और जैसे कि वो माइनर लॉज ज्यादा हैं वहां पे, मतलब पॉश एक्ट वगैरह ये सारे आ गए, और छत्तीसगढ़ में कोर्ट फीस एक्ट और ये सारे, मतलब इनका नॉलेज कभी था नहीं, ना कभी पढ़े हैं, कॉलेज डेज में भी नहीं पढ़े, तो उनको पढ़ने में, उनकी क्लैरिटी लाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार उनको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर वो हो जाता है। एंड हिंदी, इंग्लिश, हिंदी जैसे कि आरजेएस में तो आती है, प्री में भी आती है, देन मेंस में भी आती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। मतलब मुझे बहुत बार लगा डाइवर्सिटी बहुत हो जाती है हिंदी की वजह से, तो मैं तो नहीं दे रही हूँ, कि बहुत डरती थी कि यार हिंदी तो नहीं देना है, क्योंकि हैबिट में कभी था ही नहीं हिंदी लिखना, बट उसके बाद फिर कोशिश की, प्रैक्टिस करी, तो उससे फिर इजीली फिर। अच्छा, इसमें जब अपन, क्योंकि अलग अलग स्टेट के मल्टीपल स्टैट्यूट्स आप तैयार कर रहे हो, कुछ ना कुछ एडिशनल स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, लोकल लॉस तो हैं, उसके अलावा भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आरजेएस में माइनर लॉज आते हैं, एमपी ने अभी जुवेनाइल पॉक्सो ऐड कर दिया है, यूपी ने ऐड किए थे जीएस के पार्ट में 8 माइनर लॉज ऐड कर दिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं तुम्हें, जो तुमने थोरो स्टडी
बेसिक सब्जेक्ट्स की करी, जैसा तुमने कहा प्रोसीजरल लॉज बहुत अच्छे से पढ़े और वो सारी चीजें, तुम्हें ऐसा कहीं लगा क्या कि जो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे जितना एम्फेसाइज करके और कॉन्सेप्चुअली उनको पढ़ा, उससे कुछ हेल्प मिली हुई इन माइनर सब्जेक्ट्स को तैयार करने में? ये सर बहुत मिलती है, जैसे कि सीपीसी अगर आपका अच्छा है तो बहुत सारे माइनर जो उसी नेचर के हैं वो आपके कवर हो जाते हैं, सिविल नेचर के। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छा है तो जैसे पॉश वगैरह का इंट्रोडक्शन इसलिए कि आर्टिकल 14-15 से रिलेटेड है, तो वो आपकी क्लैरिटी हो जाती है। अगर आप एक बार मेजर पे कमांड कर लेते हो तो आपको पर्पस समझ में आ जाता है किसी भी माइनर लॉ का, और एक बार आपको पर्पस समझ में आ गया है फिर आप इजीली उसको कर लोगे। हाँ, जैसे क्रिमिनल पे अगर आपका कमांड हो गया, अगर आईपीसी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सीआरपीसी पढ़ रखा है, तो फिर जैसे जुवेनाइल में जो क्रिमिनल प्रोविजन आते हैं उनको समझने में वही, हाँ, उसमें अगर प्रोसीजर दिया है ट्रायल का तो वो आप इजीली समझ पहले से क्लियर है मेरे को इस तरीके का होता है। ऑलराइट, सो अगर आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत थॉरली पढ़ लिया है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है, तो माइनर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो है क्योंकि एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे स्टैट्यूट्स पढ़ने, याद करने वाला पोर्शन डिफिकल्ट हो सकता है, बट समझने वाला सॉर्ट आउट हो जाता है अगर आपने कोर सब्जेक्ट्स पे सफिशिएंट समय अपना दिया है। ऑल राइट, इसके बाद एक चीज इससे रिलेटेड है, अब थोड़ा सा आते हैं अपन प्रैक्टिस की तरफ कि एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक की, एमसीक्यू कितना जरूरी है और कैसे तुमने उसको अपने करिकुलर में डाला प्रिपरेशन के। PYP जरूरी होते हैं, मतलब अपने को पता चल जाता है, जैसे कि अगर MP आपको देना है, MP का प्री आपको देना है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर देख लोगे तो आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से MP क्वेश्चन पूछता है, फिर उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको अच्छा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट कभी भी नहीं करना है कि MP में तो ऐसे ही डायरेक्ट ही पूछे तो मैं हमेशा सिर्फ डायरेक्ट ही प्रैक्टिस करूंगी, नहीं, मतलब एक बस क्लैरिटी मिल जाती है कि ऐसे पूछता है MP, लेकिन वो भी पढ़ना है, उसके साथ अदर भी पढ़ना है। तो मैंने MCQs बहुत वाइड ही अपनी वो रखी थी, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ MP के ही MCQs लगाती थी, बाकी अगर UP वगैरह के भी अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं, दिल्ली के भी लगाए हैं मैंने, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उससे हेल्पफुल हो जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसलिए तो मैंने MCQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द प्रीलिम्स, तो उसके लिए मैंने सारे ही स्टेट के भी देखे थे प्रीवियस ईयर, उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस की थी। अच्छा, जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, टॉपिक्स जब तुमने पढ़े तो साथ साथ भी MCQ लगाए या फिर थोड़ा सा वेट किया कि कुछ एक सब्जेक्ट खत्म करूं उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करें? सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, सब्जेक्ट खत्म, कोई भी सब्जेक्ट अगर मेरा खत्म हो जाता है फिर उसका मैं टारगेट बना लेती थी कि ये 3 चैप्टर का आज मैं MCQ लगा लूंगी, तो ऐसे करके, क्योंकि सारी बुक्स में ऐसा रहता है चैप्टराइजेशन टॉपिक वाइज कि फर्स्ट चैप्टर की यहाँ पे MCQ दिए हैं, तो उस हिसाब से टारगेट बना के 2-3 दिन रख लो सैटरडे संडे, उसमें बैठ के MCQ लगा लो, तो उससे आपका रिविजन भी हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्या आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपके MCQ गलत जा रहे हैं तो फिर आप पता लगा सकते हो कि हाँ मैंने ये वाला एरिया छोड़ दिया था, वो आप वापस पढ़ लो, तो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो MCQ अगर आप सब्जेक्ट खत्म करने के बाद लगा रहे हैं तो इट वर्क्स एज अ रिविजन एज वेल, मतलब वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, ये एक टेस्ट हो जाता है कि मेरे को याद कितना है, है ना, फिर अपन चैप्टर वाइज उसके MCQ लगा रहे हैं तो एक टेस्ट भी हो जाता है कि मुझे कितना याद है जो मैंने पहले कभी पढ़ा था। ऑलराइट, करेक्ट, ठीक है। इसी से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड एक चीज है कि जो, क्योंकि ना प्रीलिम्स में और इनफैक्ट मेंस में भी, आंसर राइटिंग में भी आपको चीजें याद भी रखनी होती है, बहुत सारी सेक्शन नंबर याद रखने हैं, सबसेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, केस के नाम इंपॉर्टेंट है, तो जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं जिनको आपको याद करना होता है, या फिर जो इंटरकनेक्टिविटी होती है लॉज की, कि IPC का कुछ प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो CRPC के कौन से कनेक्टेड है, इन चीजों को मेमोराइज करने के लिए क्या किया तुमने या कैसे इस चीज को क्रिएट किया? सर लिखकर, मेरी आदत थी कि जैसे कि अगर कुछ इंटरकनेक्शन हो रहा है बेरिक्स में तो मैं उसी बेरिक्स में सब कुछ लिख देती थी, स्टिकी नोट्स, मतलब मेरी बेरिक्स इतनी अजीब सी हो रही होंगी क्योंकि कभी रेड पेन से लिखा है कभी ग्रीन पेन से लिखा है, बट मैं उसी में लिखकर उसी में स्टिकी नोट्स लगाती रहती थी, तो जब एक सब्जेक्ट के बेरिक्स ओपन करूंगी तो बाकी के सब्जेक्ट भी थोड़े बहुत रिवाइज हो जाते थे उससे, और बार बार रिकॉल करने की भी मेरी आदत थी कि अगर मैं आधे घंटे कहीं बैठी हूँ तो पहले मैं रिकॉल कर लूंगी कि सब्जेक्ट में मैंने क्या क्या पढ़ा था, या सेक्शन नंबर ही खुद से रिकॉल कर लूंगी कि फर्स्ट सेक्शन में क्या था सेकंड में क्या था, और स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं तो आप डेस्क पे लगा सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आजू बाजू थोड़े लगा सकते हो आपके, क्योंकि अगर आप देखते हो उन्हें तो वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाता है, फिर आपको रटाफिकेशन नहीं करना है, एक बार वो फिट हो गया तो वो याद ही रहेगा आपका, मतलब जितनी बार आप चीज को देखोगे सुनोगे तो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो माइंड या मेमोराइज करने वाली जगहों पे एक तो इंटरकनेक्टिविटी के वेरिट में ही लिख लिया कौन सा दूसरे उसका कनेक्टेड है, और उसको जितनी ज्यादा लिख के अपने सामने रख लो उतना that is better to memorize. All right. ठीक है,
अब थोड़ा सा आरजे स्पेसिफिक एक चीज बात करते हैं कि आरजेस में ना हिंदी इंग्लिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रीलिम्स में 30 नंबर है सीधा सीधा, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग हिंदी इंग्लिश का, और इस बार तो आरजेस में थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल भी रहा, मार्किंग जो हुई ऐसे वगैरह में, उसको अपन साइड में रखते हैं उस कंट्रोवर्सी को, इन जनरल बात करते हैं कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो हिंदी और इंग्लिश को कैसे केटर करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको, उनके लिए इंग्लिश बड़ी प्रॉब्लम है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी है। यस सर, कब स्टार्ट करना चाहिए हिंदी और इंग्लिश या फिर कोई भी मिसलेनियस सब्जेक्ट, जैसे तुमने क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ भी केटर किया है तो जजमेंट राइटिंग भी है एमपी में आपका, थोड़ा जीएस भी है, ट्रांसलेशन है, सब कुछ है, तो कैसे मतलब इन चीजों का क्या राइट टाइम है और कैसे अपने शेड्यूल में इसको फिट करना है? सर जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह है जैसे एमपी में भी आता है और आरजेएस में भी आया था, तो मैं पहले पूरा लॉ पढ़ लेती थी क्योंकि कहीं भी आप देखोगे लॉ का वेटेज तो हमेशा ज्यादा ही रहता है, एमपी में भी है और यहाँ पे भी राजस्थान में भी है, तो उस हिसाब से मैंने पहले लॉ अच्छे से सारा कर लिया, लॉ के माइनर वगैरह सब अच्छे से कर लिए, उसके बाद फिर मैंने टाइम निकाला कि अब मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ूंगी। इंग्लिश तो क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से, मुझे इतनी नीड लगी नहीं कभी पढ़ने की, लेकिन हिंदी मैंने पढ़ने के लिए हिंदी ग्रामर मैंने उसकी भी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली थी, लेक्चर्स वगैरह देख के यूट्यूब के हेल्प से मैंने पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा, संधि समास वगैरह सब समझा, उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे, हिंदी के भी मैंने एक अलग से कॉपी बनाई, उसके नोट्स मेंटेन किए, उसके बाद उसके भी एमसीक्यू लगाए, फिर एमसीक्यू वगैरह लगा के फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी ग्रामर मैं कर पाऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने फिर आरजेएस का प्री दिया मीन्स के लिए, क्योंकि वहां पे ऐसे आता है, तो ऐसे मैंने लिख लिख के देखे, मैंने टॉपिक से एक लिस्ट बना ली थी, उसके बाद मैं डेली 2-3 ऐसे लिख के देखती थी और खुद से देखती थी कि क्या क्या मेरी मात्रा गलत है या कुछ गलत है, तो उस पर वर्क करती थी, तो ऐसे करके दोनों चीजें मैंने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ गई है जो नुपुर ने अभी बताया, इस बात को सुन के आपके समझ में आ रहा होगा कि मिसलेनियस पोर्शन के लिए कितने एफर्ट किए जाते हैं, शायद उसी तरीके के एफर्ट किए जाते हैं जो लॉ के लिए करे जाते हैं। yes, नोट्स बनाने हैं, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ किया जाना है उस मिसलेनियस पोर्शन के लिए भी, ये उन सभी बच्चों के लिए जो जीएस हिंदी इंग्लिश की क्लासेस मिस कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खुद से भी काम करना है उसके ऊपर, लगभग वैसे ही काम होना है जैसे लॉ का होना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेंस में आप जाएंगे तो वेटेज लगभग बराबर आ जाता है पेपर्स का, है ना? ऑलराइट, तो मिसलेनियस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, यहाँ से अपने समझ में आ रहा है ये, है ना? ठीक है, आंसर राइटिंग लॉ की अगर अपन बात करें, क्या टिप्स देना चाहोगी स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग को लेके, क्योंकि अभी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, मतलब पढ़ लिया टॉपिक, समझ में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो पहले ही वो डर होता है कि मैं लिखूंगा तो बेकार लिखूंगा, पहले वो डर, इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता, मतलब उसको बोलो कि भैया टेस्ट दे ले, तो वो कहता है सर मैं तैयार ही नहीं हूँ, हमेशा ये फील होता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर आंसर राइटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको तुमने कैसे ओवरकम किया और आंसर राइटिंग को लेके और क्या टिप्स देना चाहोगी? वो हमेशा ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में भी रहता था कि यार मैंने सिर्फ अभी बीआरएक से पढ़ा है, मैं लिख कैसे पाऊंगी इस चीज को, मतलब 5 नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा, कि कैसे अटेम्प्ट करूंगी, बट वो हमारे दिमाग में होता है, एक बार हम मतलब अपने थॉट्स को एक बार शांति से बैठ के एक बार वो करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चराइज, कि मुझे ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है, जब आप पेन एक बार उठाते हो ना फिर वो फ्लो में आपका हो ही जाता है आंसर, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपके पास नोट्स है, आप नोट्स को रीड करो अच्छे से, उसके बाद फिर नोट्स को बंद करो और फिर लिखने की प्रैक्टिस करो और फिर देखो आपसे क्या क्या बन रहा है। आप हमेशा नोट्स में ये देखो कि आपको एसेंशियल्स को कवर करना ही है, कभी भी एक आइडियल आंसर नहीं होता है कि मुझे इसको कॉपी करना है, आप अपना खुद का आंसर लिखो लेकिन एसेंशियल्स कवर होने चाहिए, और उसके लिए रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि आप रिविजन कर लो सारी चीजों को अच्छे से और उसके बाद फिर लिखने की प्रैक्टिस करो, और मतलब मेंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, प्री के पहले ही आप मेंस की प्रैक्टिस भी करके रख लो, आंसर्स लिख के रख लो, तो वो बेटर रहता है, एंड मोमेंट पे ऐसा नहीं होता कि यार प्री हो गया उसके बाद में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ, नहीं, थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस पहले से भी होनी चाहिए। ऑल राइट, सो आंसर राइटिंग के लिए एसेंशियल्स ध्यान रखना जरूरी है, और खुद की मेथोडोलॉजी होती है आंसर लिखने की, मतलब जो कंटेंट है वो खुद का ही होता है, किसी का कॉपी करके आप लिख नहीं सकते, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि याद ही नहीं रहता, हाँ, जिसपे खुद काम किया वो आपको याद ज्यादा रहता है। ऑल राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे कनेक्टेड है मेंस आंसर राइटिंग से, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, प्री में भी होता है मेंस में, प्री में ना बहुत डिफिकल्टी नहीं होती टाइम मैनेज करने में, लेकिन मेंस के साथ ये एक चीज जुड़ी हुई है हमेशा से कि पेपर छूट जाता है, यस सर, इसको कैसे हैंडल करते हैं?
टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं तो कॉलेज डीसी, मेरा मतलब था कि मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा वो थी, मैं कर लेती थी मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट। लेकिन ये है कि आप जब पेपर देख रहे हो उसी टाइम से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पहले इधर देखेंगे उधर देखेंगे ये करेंगे, उसके बाद नहीं, जब आपके पास पेपर आया तभी से आपको लिखना शुरू करना है, और आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो लिखो। अगर किसी क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिखो, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन कर लो। उसी टाइम अपने को ये नहीं सोचना है कि यार ये नहीं आ रहा, अब तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो की होती है सारे मेंस की, वो होती है कि पूरा पेपर करना। क्योंकि एक बार एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे आरजेएस में भी लास्ट में जजमेंट्स आती है, वो भी दो दो, मतलब पूरा एक घंटा उसी के लिए सेव करना पड़ता है, दो घंटे में आपको पूरा पेपर भी लिखना है इतना ज्यादा। तो इसीलिए मैंने भी ऐसा किया, जो पूछा है वो लिखो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं उसी पर रह गए कि ये तो आ नहीं रहा मुझे, केस लॉ नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना लिखो लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, उस हिसाब से टाइम को मैनेज करना चाहिए। ऑलराइट, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ नूपुर के इस बात से कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करने का सबसे बेसिक फंडा है कि वहां पे एक सेकेंड भी फालतू नहीं है हमारे पास। yes, मतलब कि पहले माहौल देख रहे हैं कितने लोग आए कितने नहीं आए, ये सब नहीं करना है। जैसे पेपर आया यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, और जितना जो लिखा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत टाइम आप ऑब्वियसली मेरे ख्याल सोचने में देते हैं, उससे हाँ, ज्यादा नहीं देना। नहीं आ रहा छोड़ो अगला करो। यस सर, कंप्लीट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बहुत अच्छी क्वालिटी। वो ये नहीं देखना है कि हाँ, इतना लिखा है कि नहीं लिखा है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा तो मैं उसके पीछे पढ़ाऊं याद करने की, यार वो भी लिखना ही है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं, उसको छोड़ो अगला केटर करो। क्योंकि यहाँ पे मेंस में तो कोई स्पेसिफिक आंसर होते नहीं है, सब्जेक्टिव है। प्री में तो ये है कि भैया इसका बी ही आंसर है, तो आपको एग्जैक्ट देना है। वहां अगर आपको जो आपको उसके आसपास की चीजें हैं वो भी आप लिख के अगले पे अगर स्विच कर लोगे दैट इज बेटर। कंप्लीट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। ऑलराइट, ये तो एग्जाम हॉल की बात थी नूपुर की, वहां कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो कई बार ये चीज होती है, और बहुत जेन्युइनली ये चीज होती है लोगों सबके साथ, कि पढ़ते पढ़ते ना सैचुरेशन आ जाता है, बहुत मोनोटोनस सा शेड्यूल हो जाता है, और एक ही जैसी लाइफ हो गई है ना, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। हाउ डिड यू मैनेज दैट, कैसे उसको मैनेज किया, ब्रेक में क्या करती थी, कितने ब्रेक्स होते थे या किस टाइप के ब्रेक्स होते थे, थोड़ा सा उसके बारे में इफ यू कैन टेल अस। पढ़ाई मतलब मेरा तो ऐसा है कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता था स्टार्टिंग से, तो मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, ना मैं फोन चलाना पसंद है ना मुझे सोशली एक्टिव रहना पसंद है। बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा फील होता था, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, तो ऐसा तो फील होता था कि यार अब तो बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि मैं वॉक करती थी, मतलब मुझे थोड़ा सा अगर पढ़ाई करते करते वहां पे मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, थोड़ा सा मैं बाहर जाके वॉक कर सकती हूँ, या फिर घर चले जाओ, घर पे जाओ मम्मा पापा से मिलो, थोड़ा सा बात बात करो, वो लोग ही आपको 5-10 मिनट ऐसा मतलब इंगेज सा कर देंगे, आपका माइंड दूसरी जगह चला जाएगा, फिर आप वापस से अपनी पढ़ाई पे बैक आ सकते हो। इसीलिए ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तो वो मोनोटोनस भी होगा और आपको एग्जॉस्ट कर देगा, मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा। इसलिए ब्रेक्स लो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक लो, और उस ब्रेक में कुछ यूटिलाइज करो उसको, कि घूम लो थोड़ा सा, कुछ अच्छा सा कर लो, मेडिटेशन वगैरह, मैं वैसे बिलीव करती हूँ मेडिटेशन में, योगा में, तो मॉर्निंग में वो कर लो, वॉकिंग वगैरह कर लो, फैमिली फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मतलब वो सही रहता है। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्रेक आपकी स्टडी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कि मैंने आधा घंटा पढ़ा उसके बाद मैं एक घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ, है ना। ब्रेक ब्रेक जैसा हो तो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ऑल राइट, इसके बाद एक चीज है, इंटरव्यू का क्या रोल है सिलेक्शन में, और जो पैनल होता है, इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसकी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन आपसे होती क्या है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि तुम अपीयर हुई हो, क्लियर किया है, जेएलओ का भी तुमने इंटरव्यू दिया है, एक तो क्या रोल है और क्या एक्सपेक्टेशन में इसलिए जानना चाह रहा हूँ बोर्ड की, कि उस हिसाब से बच्चा प्रिपेयर होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन, अगर आप इंटरव्यू फोकस थोड़ी सी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या की पॉइंट्स हैं जो बच्चे को जहन में रखने चाहिए। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात की इंपॉर्टेंट तो रहता है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में भी मार्क्स वो होल्ड करता है, इंटरव्यू का भी अपना एक वेटेज रहता है, तो वो इंपॉर्टेंट तो रहता है। तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ता है। और जो मेन चीज एक्सपेक्टेशन रहती है वो सिर्फ पर्सनालिटी रहती है, क्योंकि वो पर्सनालिटी टेस्ट ही रहता है कि आप किस तरीके से वहां पे आंसर कर रहे हो। आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि झूठ झूठ बोलना है या कुछ भी ऐसे बोलना है, नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो सिंसियरली बोलो कि सॉरी सर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ही वो जानना चाहते हैं कि आपको वो चीज आप वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी जानना चाह रहे हैं,
कोई डिफिकल्टी आपके सामने आई तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे, वो ये जानना चाह रहे हैं। जैसे मुझसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मुझे नहीं आया अगर एक दो क्वेश्चन तो मैंने सॉरी बोल के मैं आगे बढ़ गई। ऐसा नहीं कि उसी में मैं वो कर रही हूँ कि नहीं मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आ रहा है। तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ट्रू रहो अपनी पर्सनालिटी को रहकर। द बेस्ट थिंग इज कि आप ट्रू रहते हो अपनी पर्सनालिटी को रहकर तो वो उनको वो इम्प्रेस करती है चीज। ऑलराइट। तो इंटरव्यू से रिलेटेड एक ये चीज थी कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो जो क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अप्रूवल मिल जाता है इन चीजों से अपनी चीजों को लेके, क्योंकि जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज और बाकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो द ओनली थिंग, मैं किसी भी स्टूडेंट को वही एडवाइस करता हूँ कि बी नेचुरल देयर। जो सच है उससे ज्यादा जस्टिफाइड बात कोई और है ही नहीं, जो सच है आपकी जिंदगी में, है ना। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इंटरव्यू का रोल भी अच्छा खासा है सिलेक्शन में। अच्छा, इंटरव्यू से एक चीज मुझे अभी याद आई कि हम लोग जब अभी बैठे हुए थे उस कॉन्वर्सेशन में तुमने मुझे बताया था कि इंटरव्यू में यू गॉट गुड मार्क्स। तो क्या क्या मार्क्स है इंटरव्यू में? 26। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है ये हाईएस्ट मार्क्स हो, है ना, इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और इसीलिए मुझे ये मतलब मिली उस कॉन्वर्सेशन में, मेरे दिमाग में आया था कि बहुत सारे बच्चों के जहन में जो ये सवाल है ना कि मैं स्टेट का हूं तो दूसरे स्टेट में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये चीज मैं एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन में लाना चाह रहा था इसीलिए कि इंटरव्यू दिया तुमने आरजेएस का, यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश और एक बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि अगर ये जो दिमाग में है लोगों के कि स्टेट बायस्ड होते हैं तो सबसे ज्यादा बायसनेस तो इंटरव्यू में हो सकती है, और देयर यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। क्योंकि सेम हैपन मुझे याद है शुभांगी के साथ, शुभांगी का छत्तीसगढ़ जब सिलेक्शन हुआ था, शी गॉट सेकंड रैंक देयर, उसके भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही थे इंटरव्यू में। She also belong to MP, लेकिन छत्तीसगढ़ में। तो एक चीज भाई ये आप समझ लीजिए कि ये जो भैया दीदी कोचिंग इंस्टीट्यूट मोहल्ला कॉलेज आपको बता रहा है कि ये स्टेट का फॉर्म नहीं भरना है, ये सिलेक्शन नहीं होगा, मैं हमेशा इस चीज के लिए कहता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से स्टेट में हमें जाने देंगे घर वाले नहीं जाने देंगे, ये तब का डिसीजन होता है जब आपके पास सिलेक्शन लिस्ट में नाम, उसके बाद ये सारा पंचौरा अच्छा लगता है, उसके पहले इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आप हर वो स्टेट जहां एलिजिबल हैं उसको टारगेट करिए और करिए। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, है ना, मध्य प्रदेश की बच्ची राजस्थान में जाके ऑलमोस्ट हाईएस्ट या बहुत अच्छा एक स्कोर लेके आ रही है इंटरव्यू में वो भी, है ना। तो दिस इज अ प्रूफ कि इस चक्कर में ना पड़े और अपनी प्रिपरेशन लगभग हर स्टेट जो जिसमें आप एलिजिबल हैं वो हाथ दें। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट द इंटरव्यू। इसके बाद कुछ एक दो छोटी सी चीजें और हैं मेरे जहन में विच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर। जैसे एक तो है लास्ट मिनट रिवीजन, जो लास्ट का रिवीजन होता है प्री में भी रिक्वायर्ड होता है, मेंस में थोड़ा ज्यादा होता है। यस सर। उसको कैसे केटर किया था तुमने? सर उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बना रखे थे, 3-4 पेजेस में मेरा पूरा बेयर इट समराइज था, मतलब इट्स लाइक कि मैं वो हम बोलते हैं ना कि सिनॉप्सिस नोट्स, ऐसा करके मतलब मैंने बना रखा था कि जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके मैं 2-3 पॉइंट लिख लेती थी कि अगर टीपीए में पार्ट परफॉर्मेंस है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके लिख लेती थी। तो ट्रेन में जैसे कि ट्रैवल ही करना पड़ता था मोस्टली, क्योंकि एमपी में भी आपको जबलपुर जाना रहता है मेंस के लिए और आरजेएस में तो पूरा आपको वहां जाना ही है, तो ट्रेन में भी आपके पास कम से कम वो पेजेस रहते हैं तो आप उनको देखते रहते हो तो आप रिकॉल होता रहता है। तो ऐसे मैंने लास्ट मिनट रिवीजन। ऑलराइट, तो आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स अपने होने चाहिए जहां पूरा कंटेंट क्रिस्प लिखा हुआ है, सिर्फ एक हिंट है जिससे आप रिवाइज रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल कर लो। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये तो हो गया लास्ट मिनट रिवीजन, अब आप पहुंचे एग्जाम हॉल में। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैनेज करनी है, वो एग्जाम हॉल प्रेशर या फियर। How did you do that? और क्या फील होता था, मतलब जब एग्जाम हॉल में बन जाते हैं, प्रेशर तो है ही आपके ऊपर, और वो भी तब जब आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हो और अब आप एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हो। कई बार ना मैंने देखा है बच्चों का एग्जाम इस वजह से खराब हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से। कुछ टिप्स इसके लिए टू द स्टूडेंट्स? प्रेशर तो फील होता है, डर भी लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि खुद पे ट्रस्ट करो और मतलब खुद को देखो। बहुत सारे लोग ऐसा होता है आसपास देख रहे हैं, अरे यार ये पढ़ रहा है, अरे यार वो पढ़ रहा है, इसे पूछ लो, इसे पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आप अपना पढ़ के गए हो, बेस्ट तरीके से बिल्कुल शांत हो जाओ, मतलब आप जब जा रहे हो उसके 5-10 मिनट पहले रख दो सब कुछ और थोड़ा सा मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ अच्छे से करो और उसके बाद फिर जाओ, रिलैक्स मूड से जाओ। ये मत देखो कि यार इतने लोग आए हैं, यार इतने लोग तो आए नहीं है, ये वो आगे क्या लिख रहा है पीछे, कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को बस खुद ही स्ट्रेस्ड आउट मतलब पूरा स्ट्रेस को रिलीव करके अच्छे से शांति से बैठना है, क्योंकि हम ज्यादा टेंशन लेते हैं एंजाइटी वगैरह की वजह से, जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि अब वो जो मेमोरी में है वो भी हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांत रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नुपुर तुमने यहाँ पे जिक्र किया कि बच्चे ना एग्जाम हॉल के बाहर जाके
बातें करते हैं और कुछ मेरे जैसे बच्चे भी वहां होते हैं जो जबरदस्ती परेशान कर देते हैं दूसरे एस्पिरेंट को, कोई ऐसी बात पूछ ली माइनर लॉ की, अरे वो अमेंडमेंट पढ़ा कि नहीं, अमेंडमेंट है ही नहीं, अब वो बच्चा पूरा पढ़ गया उसका सब दिमाग खराब हो गया वहां पे स्टार्टिंग में, यार ये क्या ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, जो आपने एग्जाम हॉल में आने के पहले तक पढ़ा है बेटा वो सफिशियंट है, वहां जाके कोई नई बात पता भी चल रही है तो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, और मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देके भी आप कुछ कर तो पाओ, इसीलिए अपने कंटेंट पे ही कन्फाइंड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और कोशिश करिए एग्जाम हॉल के बाहर बात ही मत करो। यस सर, सबसे बेस्ट मुझे लगता है जो एडवाइस तुमने दी वो ये कि बाहर जाके अपने में रहो, ज्यादा लोगों से ये मत पूछो कि भाई तूने क्या पढ़ा मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक हो सकता है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिड्यूस ही करेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात बताई गई जो आपने शायद नहीं टच करी होगी या नहीं पढ़ी होगी, भले वो एग्जाम में आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वो लूज कर देगी। ऑलराइट, अच्छा नुपुर एक चीज और इसी से थोड़ी सी रिलेटेड इस प्रेशर की, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ा नॉन अकेडमिक एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, इस प्रिपरेशन में क्या क्या सेक्रीफाइसेस तुमने किए, क्योंकि भाई कोई भी चीज जो आप जब आप किसी चीज के पीछे होते हैं भागते हैं तो सेक्रीफाइसेस होते हैं। यस सर, मेरे ख्याल उसके बिना हो ही नहीं सकता, और जब वो बंदा जो भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जिसको भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो वो सेक्रीफाइसेस कर रहा है, हमेशा ये फील होता है अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट द फैक्ट इज कि वो सबके साथ हो रहा है। यस सर, That's why I want you to tell the audience कि तुमने क्या क्या सेक्रीफाइसेस इस जर्नी में करे हैं। सर सबसे बिगेस्ट यही था कि मैं अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी तो मॉर्निंग 7 से ही रात को 11 बजे तक मैं वहीं रहती थी, सिर्फ लंच आवर्स में आती थी, एक आज मतलब 15-20 मिनट खाना खाया और चली गई क्योंकि पास में ही थी, तो मतलब मम्मा पापा बोलते थे हमारे पास बैठ नहीं रही है, हमसे बात नहीं कर रही है, बोल तो कुछ मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिलता था, वो लोग ऐसे बोलते थे बस तू आ रही है खाने के लिए फिर तू जा रही है, तो उन लोगों को कभी टाइम नहीं दे पाई, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में मेरी दादी थी उनको भी इतना टाइम नहीं दे पाई, फिर वो पास अवे हो गई अभी मार्च में, तो एक वो लगता है दिमाग में कि यार उनको थोड़ा टाइम और दे सकती थी मैं, मतलब इस एज पे थी वो कि उनकी थोड़ी और मतलब केयर वगैरह कर सकते थे, बट उस टाइम पे प्रिपरेशन में भी आपको देना पड़ता है अपना टाइम पूरा, तो बस वही फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड किया है। ऑलराइट, ये तो मतलब ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही है कि आप बाकी हर चीज से कट जाते हैं। यस, हर चीज जो आप कर रहे थे कॉलेज टाइम में या उसके बाद भी हर चीज आपने छोड़ दी, ना आप फैमिली को टाइम दे रहे हो ना फ्रेंड्स को दे रहे हो, बाकी चीजें भी अपनी जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो सब भी कहीं ना कहीं आपका साइडलाइन हो जाता है, तो भाई ये जरूरी है सभी कर रहे हैं, सबके सबका नेचर अलग है प्रॉब्लम्स का और सेक्रीफाइसेस का, बट सबकी लाइफ में, तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं या दुख है तो दुख सबकी लाइफ में, नेचर अलग है बस, किसी का कुछ और है किसी का कुछ और है। ऑलराइट, अब ये तो हो गया कि उस जर्नी में सेक्रीफाइस या परेशानी या चैलेंज, व्हाट अबाउट आफ्टर सिलेक्शन, जैसी सिलेक्शन हुआ, इस बार तो रिजल्ट आरजेएस का दिवाली के जस्ट पहले आया है, रिजल्ट आने के बाद से पर्सनल लाइफ में क्या क्या बदलाव आ गए हैं? सर मतलब बहुत अच्छा फील हुआ है, जैसे कि दिवाली के पहले आ गया तो एक अलग ही हैप्पीनेस हो गई घर वालों में, दिवाली बन गई, दिवाली अच्छी बन गई है, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, उसके बाद पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं कि जो नहीं जानते थे जो मुझे मतलब मैसेज कभी किया नहीं होगा, जिनको मतलब मेरा नाम भी पता होगा कि नहीं पता नहीं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया, आप बताओ टिप्स दो, आप नोट्स बता दो, आप नोट्स दे दो, तो ऐसा लगता है कि थोड़े से चेंजेस तो मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आए, एक बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, गुप्ता के आगे भी जज लग गया तो उसने, वो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग अब जज साहिबा बोलते हैं तो उस लाइक थोड़ा सा अच्छा फील होता है वो। ऑल राइट, और ये ही आउटकम है उस सेक्रीफाइस, सो इफ यू आर ऑल्सो डूइंग दैट सेक्रीफाइस बिलीव इन दिस आउटकम, है ना, वो अगर आएगा तो सब कुछ वर्थ लगने लगता है उसके बाद जितने भी सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं, तो ये चेंज तो बहुत नेचुरल है और जो आना ही चाहिए, इसी के लिए सारी मेहनत है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है ये पर्सनल लाइफ के। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है स्ट्रैटेजी को लेके, कि जो आपने सब कुछ प्लान आप करते हो प्रिपरेशन में, है ना, कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं नोट्स कैसे बनाऊंगी, कब कितना समय दूंगी, क्या करूंगी, सब कुछ, ये जो स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो इसके लिए हमेशा आउटर सोर्सेस की तरफ भाग रहे हैं कि कोई उन्हें स्ट्रैटेजी बना दे, कोई उनका रूटीन बना दे, कोई उनकी मेंटरशिप कर दे, बहुत चल रहा है ये कल्चर, और ये आया है सिर्फ और सिर्फ कोविड के बाद से, ऑनलाइन जब से चीजें हुई हैं तब से ये कल्चर कुछ ज्यादा डेवलप हो गया कि हर बंदा किसी दूसरे को ढूंढ रहा है खुद को मैनेज करवाने के लिए। व्हाट इज योर ओपिनियन, हाउ डिड यू
मैनेज दैट? मतलब स्ट्रैटेजी तुम्हारी खुद की तुमने बनाई है या किसी की और से वो चीज हो सकती है? स्ट्रैटेजी किसी की आप कॉपी कर भी नहीं पाओगे, मतलब आप देख भी लोगे कि कोई कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकी पर्सनल ही होती है। किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही हैं जो उसको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने देखी बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखे, सब कुछ देखा, लेकिन टॉपर स्टॉक वगैरह सारी चीजें देख के सबका सीखा जरूर, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। सीख लिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उन चीजों को अपने में अडॉप्ट कर लिया है, बट खुद की ही पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं कब क्या पढ़ सकती हूँ, मॉर्निंग में मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, इवनिंग में मैं कौन सा पढ़ सकती हूँ, वो खुद से ही आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो नूपुर का जो कहना है इसके रिगार्डिंग कि आपको देखना सबका है, सबका अपने सोना, सब में से कुछ कुछ चीजें आपकी मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी, बट फ्रेम अल्टीमेटली आपको अपना ही करना है। क्योंकि अभी ना कुछ एक कल्चर मैंने देखा स्टूडेंट कम्युनिटी में कि अब वो आ गया है कि वो किसी और से चाहते हैं कि वो उनका दिन मैनेज करके दे दे, है ना। तो पर्सनली आई ऑल्सो डोंट अग्री विद दैट एट ऑल कि भैया वो अपना ही होना चाहिए, वो खुद ही कर सकते हो आप, वो कोई और नहीं करते करता है। तो दैट्स व्हाट यू आल्सो सजेस्टेड टू देम कि आप स्ट्रैटेजी आप देखो समझो, उनमें से जो चीजें आपकी मैच हो रही हैं आप वैसी करेंगे, बट एंड में वो भला आपको ही करना है खुद का, है ना, जो कि मुझे कब पढ़ना है, मुझे कितना टाइम कब देना है, ये चीजें आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता, वो आपकी ही पर्सनैलिटी है। ऑल राइट, ऑल राइट, सो आई होप इन दिस डिस्कशन वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग तो कहना ठीक नहीं होगा, बट लॉट्स ऑफ थिंग जो स्टूडेंट के जहन में चल रही है, और दैट वॉज अ ग्रेट इंटरेक्शन। मतलब बहुत सारे इनसाइट्स इसमें मुझे लगता है स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और बाकी आप लोग कॉमेंट्स के थ्रू बताइए कि कैसा लगा आपको ये इंटरेक्शन, क्या चीजें आपको सीखने को मिली, और आगे आप क्या इस तरीके की चीजें और जानना या समझना चाहते हैं इन चीजों से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरी वन फॉर watching. Thank you Nupur for all these insights to the students.